नमस्कार, हमारा कानून हमारा अधिकार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं काफी गंभीर मुद्दा है, इस पर आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकील अरुण राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस नए बिल में प्रावधान है। तो देश में काफी दिनों से बहस चल रही थी कि गंभीर आरोपों में पाए जाने वाले बच्चों को क्या वयस्कों की तरह सजा मिलनी चाहिए और उस तरह उसका ट्रायल होना चाहिए। खासकर दिसंबर 2012 में दिल्ली में जो रेप की घटना हुई, उसके बाद 18 साल से कम की उम्र का आरोपी का इस घटना में शामिल पाया गया और इसको लेकर लगातार मांग बढ़ती रही। लेकिन अब रेप और हत्या जैसे अपराधों में 16 से 18 साल के अपराधियों को वयस्क माना जाएगा और उन पर वयस्क अपराधियों जैसा ही केस चलेगा, क्योंकि अब नया जुवेनाइल जस्टिस कानून लागू हो गया है। दरअसल नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही के वर्षों में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों में काफी इजाफा हुआ है और इसीलिए आज इस पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस बिल में क्या कुछ है, इस कानून में क्या कुछ है और वाकई में क्या ये जो नया कानून है वो असरदार है। तो अरुण जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आखिर इस जुवेनाइल जस्टिस बिल में क्या है? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो कि जनवरी 2016 से लागू हुआ है, इसमें कुछ जो बदलाव आया है वो सबसे बड़ा बदलाव ये है, जो हेनियस ऑफेंसेस हैं उसमें 16 से 18 साल तक के जो नवयुग कह लो उनको, तो उनको अलग से एज एन एडल्ट उनके ट्रायल का प्रोविजन है। अब मैं आपको इसमें जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसमें एज जुवेनाइल की 18 साल निर्धारित की गई है। 18 साल तक का बच्चा जुवेनाइल होगा और इसमें तीन तरह की कैटेगरीज की ऑफेंसेस की है। एक पेटी ऑफेंसेस है, एक सीरियस ऑफेंसेस है, एक हीनियस ऑफेंसेस है। पेटी ऑफेंसेस जिनमें 3 साल से कम की सजा है, सीरियस ऑफेंसेस 3 साल से 7 साल तक की सजा है और हीनियस ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा है। जो हीनियस ऑफेंसेस है और उसमें जो ऑफेंडर है वो अगर 16 से 18 के बीच में है तो उनके लिए इस कानून में प्रावधान है कि उनको एज एन एडल्ट ट्रायल चलाई जाए। लेकिन इसके लिए जैसे ही वो ऑफेंडर एप्रीहेंड होने के बाद बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोर्ड के सामने, बोर्ड के सामने प्रोड्यूस होगा तो बोर्ड उसके अंदर 3 महीने के अंदर इंक्वायरी कराएगा कि इस बच्चे ने ये जो ऑफेंस किया है किन सर्कमस्टांसिस में किया है, किन हालात में किया है, इसको उसके बारे में ज्ञान है या नहीं है, इस ऑफेंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको अगर पूरा ज्ञान है तो ये पूरी रिपोर्ट बना के और चिल्ड्रन कोर्ट जो एएसजे लेवल की कोर्ट होती है वहां पे अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। एएसजे कोर्ट जो चिल्ड्रन कोर्ट स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो इस रिपोर्ट के बेस पे स्टडी करेगी और उनको लगेगा कि इसमें ट्रायल चलाना एज एन एडल्ट जरूरी है तो वो ट्रायल चलाएगी, नहीं तो एज ए बोर्ड जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोसीजर है एज दैट प्रोसीजर वो बोर्ड की तरह ही इंक्वायरी करेगी। जी, लेकिन अरुण जी, जुवेनाइल जस्टिस लॉ होने के बावजूद भी इस नए बिल की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, एक पहले जुवेनाइल जस्टिस लॉज थे, अमेंडमेंट है, जैसे जैसे समाज की स्थिति में बदलाव आता है उसी हिसाब से कानून में भी बदलाव आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं। इसीलिए जब एक लोगों का समाज के प्रति आक्रोश रहा कि ये 2 महीने 3 महीने पहले होते हुए भी अब ये बालिग होने वाला था लेकिन इसको बच्चे की तरह है, इसको ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी, तो क्योंकि 16 साल से 18 साल के बीच में आदमी जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तो इसीलिए हालात को देखते हुए ये बदलाव किया कि इनको एज एन एडल्ट भी ट्रीट करके, अगर सर्कमस्टांसिस फैक्ट और सर्कमस्टांसिस देख के कोर्ट को वो लगता है चिल्ड्रन कोर्ट को, तो एज एन एडल्ट ट्रीट करेंगे, नहीं तो जुवेनाइल बोर्ड के सामने भी वो होगा। इसमें दोनों ऑप्शन खुल गई है। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जब भी इन बच्चों का, ये जो अपराधी होते हैं जुवेनाइल्स का, अगर उस कोर्ट में ट्रायल होता है जहाँ पर अन्य अपराधी भी वहां पर पहुंचते हैं, तो क्या ऐसे में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो बिल्कुल कोर्ट के अंदर नहीं है, वो अलग से है। हमारे दिल्ली में एक दिल्ली गेट पे है,
दूसरा बंदा बहादुर मार्ग डिपो के पास है, वो कोर्ट के साथ नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो बच्चे हैं इनको स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है, इनको जेल में नहीं रखा जाता। शेल्टर होम्स स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम्स है, वो जेल नहीं होती, इनको वहां पे रखा जाता है। और जिसको 18 साल से 21 साल तक के भी जो जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से प्रावधान है ऑब्जर्वेशन होम्स का, वो भी जेल के अंदर नहीं जाएंगे। 21 साल से बड़े होने के बाद उनको जेल भेजने का प्रावधान है। मान लीजिए उनकी सजा ऐसी होगी कि सजा के बीच में उनको 21 साल की उम्र वो पार कर गए तो उनको फिर जेल भेजा जाएगा। 21 साल तक वो कुखार अपराधियों के बीच में नहीं रहेंगे ना ही ट्रायल फेस करेंगे। तो अरुण जी, कानून तोड़ने वाले जुवेनाइल के साथ आखिर व्यवहार कैसा किया जाएगा? क्योंकि ये तो है कि अपराध उन्होंने किया है लेकिन उन्हें सुधारना भी है, सजा भी उन्हें मिलनी है, तो किस तरीके का प्रोसीजर चलेगा? देखिए, हमारा सबसे सर्वोपरि, समाज का भी, कानून बनाने वालों का भी सबसे सर्वोपरि, उनकी यही इच्छा थी कि हमारा पुनिटिव कोड नहीं है, रिफॉर्मेटिव कोड है। हम बच्चे के विचारों को बदले, जो उन्होंने किन हालात में वो किया है, अपराध किया है, करना था या नहीं करना था, तो उसको देख के उसके बाद हम बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। और बोर्ड जो है, जुवेनाइल बोर्ड, हमेशा एक सोशल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उससे उसके सामाजिक मानसिक टोटल हालात का वो करता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए वो जो इंक्वायरी करता है बोर्ड, और उसमें अपराध की श्रेणी में पाया जाता है कि इसने कुछ अगेंस्ट द लॉ किया है, तो अगर पेटी ऑफेंसेस हैं तो उसमें तो बोर्ड उसको घर जाने की इजाज़त दे देता है। उसके साथ ये भी कह सकता है कि आप 3 दिन समाज सेवा करेंगे, काउंसलिंग के लिए भी भेज सकता है, पेरेंट्स की और बच्चे की ज्वाइंट काउंसलिंग भी हो सकती है, पेरेंट्स के ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो वो, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी नीयत कानून की ये है कि इसको सुधारा जाए, सजा देने का मतलब नहीं है, उसको सुधारने का है। वोकेशनल कोर्स भी कराते हैं वो, तो हमारी कानून की, कोर्ट्स की, किसी की भी ये मंशा नहीं है कि इसको सजा दी जाए। बच्चे हैं, उनको सुधारने के लिए जितने प्रयास होंगे, प्रयत्न होंगे, वो किए जाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है ये जुवेनाइल, जो नया कानून यहाँ पर बना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं। और फिलहाल अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इस मुद्दे को लेकर तो आप जान सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अरुण राठी जी बने हुए हैं। अरुण जी, कानून की नजरों में अगर देखा जाए, कानून की भाषा में, आखिर जुवेनाइल कौन होता है? जुवेनाइल जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो, 18 या 18 से कम जी, वो जुवेनाइल इस कानून के हिसाब से उसको जुवेनाइल माना गया है जी। तो अरुण जी, फिलहाल जो नया कानून यहाँ पर बना है, क्योंकि मांग यहाँ पर की जा रही थी कि उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो नया कानून है उसमें शायद 7 साल तक की सजा का यहाँ पर प्रावधान है। नहीं, देखिए, उसमें 7 साल की सजा का वो नहीं है, लेकिन इस नए कानून के हिसाब से ये है कि किसी भी आप जुवेनाइल को फांसी की सजा नहीं दे सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, ऐसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कि वो बाहर ही ना आ सके जी। ये है बाकी इसमें। लेकिन जैसा मैंने बताया, कानूनविदों की और समाज के लोगों की और सभी की ये मंशा है कि हमें सुधारना है, सजा नहीं देनी है जी। तो अरुण जी, फिलहाल किन किन धाराओं के तहत जो है मुकदमे यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं, अगर कोई ऐसा मामला आया है सामने, चाहे रेप या हत्या का मामला है, और उसमें अगर कोई जुवेनाइल इसमें इन्वॉल्व है, तो किन किन धाराओं के तहत उन पर, उस पर मामला ये चल सकता है? क्या इसकी भी अलग अलग श्रेणियां हैं? देखिए, श्रेणियां सिर्फ जो धारा तो जो दर्ज होगी वो IPC के अंदर होगी, IPC में मेंशन है जो ऑफेंस होगा इस हिसाब से। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से ऑफेंसेस को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक पेटी ऑफेंसेस है जिसमें 3 साल तक की सजा है जिन ऑफेंसेस में, एक सीरियस ऑफेंसेस है जिनमें सजा का प्रावधान 3 साल से 7 साल तक का है, एक हीनियस ऑफेंसेस है जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा है जी, जो IPC में प्रिस्क्राइब्ड है जी।
लेकिन अरुण जी, ये भी खासकर देखा गया था क्योंकि निर्भया कांड जब हुआ था उस दौरान ये कहा गया था कि जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, फास्ट ट्रायल कोर्ट की बात यहाँ पर की गई थी जो अन्य आरोपी हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है भविष्य में भी कि जो जुवेनाइल अगर इसमें, क्योंकि अब वो अपराध की श्रेणी में आएंगे ऐसा बोल दिया गया 16 से 18 के बीच, तो ऐसे में उनका भी ये जो फास्ट ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होगा ऐसा हो सकता है? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब पहले दिन जुवेनाइल को उनके सामने पेश किया जाता है बोर्ड के सामने, उसके 4 महीने के अंदर ही अंदर उसका निपटारा करना होता है केस का, इंक्वायरी का। अगर वो 4 महीने में नहीं कर सकते तो एक्सटेंशन उसमें दी जाएगी 2 महीने की, और प्रिंसिपल जज दे सकता है 2 महीने की। 2 महीने इस पूरे टेन्योर में अगर ट्रायल नहीं खत्म होता है तो वो अपने आप विशिएट हो जाएगी। पेटी ऑफेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, हीनियस ऑफेंसेस और सीरियस ऑफेंसेस के लिए अगर इस 6 महीने के पीरियड में ट्रायल नहीं कंक्लूड होता है, इंक्वायरी नहीं कंक्लूड होती है, तो सीएमएम से, जो जज इंचार्ज सीएमएम है डिस्ट्रिक्ट का, उससे परमिशन फर्दर एक्सटेंशन की लेनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन, तभी वो होगा। और कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी अर्लीएस्ट पॉसिबल स्टेज पे ट्रायल का निपटारा किया जाए। जी, लेकिन अरुण जी, कई तरीके के अलग अलग मामले आते हैं जिनमें जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं, अपराधी श्रेणी में हो जाते हैं, कईयों की जो गरीबी की वजह से वो चोरी चकारी करते हैं, फुटपाथ पर कोई गिरोह होता है जो कि बच्चों का ये गिरोह चलाता है, ऐसे में कई बच्चे पकड़े जाते हैं, तो क्या ये जो जुवेनाइल जस्टिस बिल है इसमें जो भी सजाओं का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, क्या ये उनकी चोरी या हत्या या अपराध के ऊपर डिसाइड करेगा कि इसको क्या सजा दी जाएगी, किस तरीके से चलेगा, किसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, किसको कितनी सजा दी जाएगी? देखिए, इसमें दोनों चीज होंगी, सोशल स्टेटस भी उसका देखना पड़ेगा, उसके साथ अपराध किस श्रेणी में अपराध किया है, किन हालात में अपराध किया है, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी मद्देनजर रखते हुए सबके ऊपर वो होगा। इसीलिए ये सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जिस दिन जुवेनाइल को पेश किया जाए बोर्ड के सामने, उसके माता पिता को बुलाया जाता है, और अगर कोर्ट सोशल स्टेटस रिपोर्ट मंगाती है, अगर सोशल स्टेटस रिपोर्ट में आता है या ये इनके अधिकार में है, ये इसका ख्याल रख सकते हैं, तो उनके साथ बेल ग्रांट कर देते हैं। लेकिन जहां भी कोर्ट को ये लगता है, बोर्ड को ये लगता है कि ये दोबारा उसी ग्रुप में शामिल हो जाएगा, दोबारा इसको चोट पहुंचा सकते हैं, इसके साथ मारपीट हो सकती है या सामाजिक तरीके से इसमें गिरावट आ सकती है, तो वो उसको सीधे सुधार गृह में भेजते हैं, उसको घर जाने की या उन लोगों के पास जाने की इजाजत नहीं देते जिनके पास वो पहले था। बिल्कुल, और अरुण जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, वो जुवेनाइल जो कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक हालत ठीक नहीं है, अगर वो इस तरीके के अपराध को अगर कोई अंजाम देता है, हत्या का या रेप का कोई वारदात को अंजाम देता है, तो क्या उस पर भी इसी तरीके से कानून का इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, देखिए, अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, देखो मानसिक स्थिति ठीक का एक डेफिनेशन है, ये मेडिकल डेफिनेशन है, जब तक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको इम्यूनिटी है कि उसको नहीं पता उसने क्या अपराध किया है, और ये भी देखना पड़ेगा कि जब अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब वो पकड़ा गया, जब उसने अपराध किया था, जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन दोनों में अलग अलग वो है। अगर अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो जब तक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक उसके ऊपर इंक्वायरी या ट्रायल नहीं चलेगी, उसके ठीक होने का इंतजार किया जाएगा। बिल्कुल, तो दर्शकों, एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जुवेनाइल जस्टिस बिल से रिलेटेड या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप नंबर जो है वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं और हमारे स्टूडियो में अरुण राठी जी भी जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं, इनसे जान लेंगे। तो फिलहाल 0114321 4321 का ये नंबर है, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए। अगर आप कुछ सवाल है आपके मन में या आप इस बिल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस कानून के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, अपने सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं। अरुण जी, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि इस तरीके के मामले अब कई ज्यादा आने लगे हैं, खासकर निर्भया का मामला अगर ले लिया जाए, उस दौरान क्योंकि ये जो बिल था वो अपडेट नहीं था, ऐसे में जो जुवेनाइल था वो छूट गया। अब सवाल ये है, ऐसा भी कहा जा रहा था कि जब ये नया कानून यहाँ पर हो गया है तो फिर उसको उस हिसाब से सजा दी जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वो तो जुवेनाइल छूट गया लेकिन अब जो नया कानून है उसके तहत था, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई दोबारा की जा सकती है, क्योंकि घटी थी वारदात तो घटी थी। देखिए अंजलि जी, ये जो एक्ट है, इस एक्ट
के आने से पहले जो मुकदमे जिस स्टेज पे चल रहे थे, जैसे चल रहे थे जिस बोर्ड के सामने, वो ऐसे ही चलेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये लागू नहीं है जी। ये जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो ऐसे ही चलेंगे, जिन बोर्ड के सामने जो पुराना कानून उन पे लागू है। ये जो मुकदमे जो होंगे ये 1 जनवरी, ये 15 जनवरी 2016 से लागू है, उसके बाद के जो मुकदमे होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा जी। और एक जी, एक चीज और अंजलि जी, मैं बता, इसमें जो है ये 18 साल की उम्र जो है ये अपराध करने के दिन की उम्र है। मान लीजिए कोई जुवेनाइल अगर अपराध 17.5 साल की उम्र में करता है और वो 2 या 2.5 साल के बाद पकड़ा जाता है, वो 20 साल का हो गया, तो भी उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। वो ये नहीं होगा कि अब मेजर हो गया है तो उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये अपराध, ये जो उम्र वो होगी उसकी अपराध के दिन की उम्र होगी जी। अरुण जी, एक खबर भी अभी बीच में आई थी कि जिस तरीके से नया कानून बना है उसमें ये कहा गया है कि 16 से 18 तक के जो ये जुवेनाइल हैं, अगर वो इस तरीके का अपराध करते हैं तो उन पर उसी तरीके का ट्रायल होगा जैसा कि वयस्क अपराधियों पर होता है। लेकिन इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी गई थी कोर्ट में, हालांकि बाद में कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो अब आवाज ऐसी भी उठ रही है कि नहीं, उन जुवेनाइल्स को इस तरीके के वयस्क अपराधियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर इस तरीके की याचिका आगे भी दायर की जाती है तो उन पर कुछ सुनवाई होगी? क्योंकि कई मांग ऐसे है, क्योंकि एक गुट ये भी मांग कर रहा है कि उन्हें वयस्क अपराधियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, उस तरीके की कार्रवाई, उस तरीके का ट्रायल नहीं करना चाहिए। देखिए, वो तो कानून में ऑनरेबल कोर्ट्स का प्रावधान है, पेटिशन कोई भी लगा सकता है, उसमें कितना मेरिट्स में कितना दम है वो तो कोर्ट्स को, ऑनरेबल कोर्ट्स को डिसाइड करना है। लेकिन इस एक्ट में दोनों तरह का प्रोविजन है, क्योंकि रिपोर्ट बनाने के बाद, बोर्ड की रिपोर्ट बनाने के बाद जो चिल्ड्रन कोर्ट्स में जब मैटर जाता है तो वो पढ़ के, उसको देख के, सारी सोशल रिपोर्ट सरकमस्टांसिस टोटल देख के, वो हालात को देख के वो ये डिसाइड करते हैं कि इसमें एज एन एडल्ट ट्रायल चलाना है या नहीं चलाना जी। तो अरुण जी, आखिरी सवाल ये, क्योंकि अभी नया कानून जो इम्प्लीमेंट किया गया है, आंकड़े इसमें काफी बढ़ गए हैं, क्या इसका वाकई में असरदार है, इसका असर पड़ता दिख रहा है, जो अपराध के ग्राफ है उसमें कोई कमी आई, क्योंकि उसी के तहत इस नए कानून को लाया गया था? देखिए, अपराध का ग्राफ कानून से नहीं बदलता, ये हमारी मानसिकता से बदलता है। सामाजिक मानसिकता में बदलाव होगा, लोगों में समझ होगी तो अपराध अपने आप कम होंगे। कानून कभी से असरदार रहा है और जो कोई छोटी मोटी खामियां हैं, इसीलिए अमेंडमेंट का प्रोविजन है। कुछ खामियां नजर आई कानून विदों को और ऑनरेबल कोर्ट्स को, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। तो कानून कभी कमजोर नहीं रहा है, कई बार ये छोटी मोटी चूक हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टेज पे इम्प्लीमेंटेशन कानून का हमेशा से रहा और कानून सर्वोपरि रहा है। चलिए अरुण राठी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और हमारा कानून हमारा अधिकार में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। टेक्स्ट हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जरूरी नहीं कि कानून की किताब सभी पढ़ें, लेकिन कानून के बारे में जानना हम सभी के लिए जरूरी है। संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं और क्या है हमारे कर्तव्य, ये जानना जरूरी है। जनता टीवी पर देखिए हर शनिवार और रविवार दोपहर 1 बजे हमारी खास पेशकश हमारा कानून हमारा अधिकार। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सू, तू चाल लेगा के? हाँ हाँ चाल लूंगा। तो चाल फिर भाई। यार भोले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी है
आनंद होगे। ठीक है भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, सीधे 1400 रुपए बैंक में आज से जब जाओ निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बता दिए, 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी ना हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास, मारी पेंशन मारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। हरियाणा कौशल विकास मिशन से जुड़ के मैंने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लेके आज मैं अपने सपने में नए रंग भरन लाग रही हूं। मैं घना पढ़ा लिखा ना हूं, लेकिन हरियाणा कौशल विकास मिशन से जुड़कर मैंने प्लंबर का काम सीखा और आज उसे के बदौलत मारी रोजी रोटी चल रही है। गरीबी के चलते मैंने पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, फिर मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने हरियाणा कौशल विकास मिशन के बारे में बेरा पाटा, वहां मैंने टीवी मैकेनिक की ट्रेनिंग ली, फिर तो मेरी जिंदगी में चानना सा हो गया। ईब मैं अपने बेरोजगार भाइया ने काम सिखाकर रोजगार से जोड़ सकूं सू। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत बेरोजगारों, स्कूल और कॉलेज छोड़ चुके युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरियाणा की तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़कर युवा अपने भविष्य को दे सकते हैं नई उड़ान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। आ बनते अमलापुरम, आ बनते आहापुरम। हाय हाय मर जान कर अल्लाह, अपना The Rising Star, sponsored by www.servicemug.com। अब घर बैठे करवाएं अपने टू व्हीलर की सर्विस। हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रोहतक, गिरिराज ज्वेलर्स रेलवे रोड रोहतक, हार्टोन अप्रूव्ड वर्क स्टेशन अपोजिट पुलिस लाइन रेडियो स्टेशन रोहतक, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपोजिट सर छोटूराम पार्क रोहतक, साहिब गारमेंट्स नियर डी पार्क रोहतक, किला रोड मंदिर वाली गली अंबा मार्केट बेसमेंट रोहतक, श्री श्याम बाबा इंस्टीट्यूट अपोजिट बजरंग भवन मंदिर दिल्ली रोड रोहतक, हाउस डेकोर दिल्ली रोड रोहतक, ऋषिकेश आयुर्वेदा महम रोड गोहाना। मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। आज की पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है, इसलिए अपनाएं 5 तरह के तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स जो मेरे परिवार को रखे।